ओके, तो यहाँ मैं पासवर्ड को एक अलग वेरिएबल में ले लूंगा, यहाँ पर टी नाम से ले लिया, टी, और टी डॉट पैक भी हो गया, और यहाँ पर डी की जगह मुझे आर की वैल्यू लेनी है, तो आर की वैल्यू दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसको अब मैं रन करता हूँ। ओके, तो ये हमारा यूजर नेम, मैं कोई यूजर नेम देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड भी एडमिन। अभी देखो पासवर्ड में कोई स्टार वगैरह नहीं आ रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पासवर्ड जैसा कैसे दिखेगा। अभी हमने दो फील्ड लिए एंड देन साइन अप करता हूं, तो ये बता दिया कि ये है। ओके, देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट हमारा ये हो गया कि भाई ओके, एक और बार फिर से रन। मैं इसमें एडमिन, और यहाँ पर मेरा पासवर्ड होगा, पासवर्ड पास, एडमिन का पास होगा, एंड देन ये साइन अप करते ही ये देखो एडमिन और पास दोनों वैल्यू आ गई। क्लियर? अभी मतलब एक थोड़ा तरह से फिशिंग की जो GUI होती है उसमें यही होता है, उसमें प्रिंटिंग बैग में हो रही होती है। अभी अभी देखो हमने यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड से एडमिन और पास ले लिया। देखो अब ये फील्ड, ये क्या होता है, यहाँ हम गेट करा रहे हैं ना, अब यही वैल्यू हम अभी इधर लेवल में रख रहे हैं, बट हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम डेटाबेस में डायरेक्ट रख सकते हैं, डेटाबेस में हम सेव करेंगे डायरेक्ट वैल्यू, अगर हमारे पास डेटाबेस एसक्यूएल यूज करेंगे तब, या फिर आप, अगर आपको फाइल हैंडलिंग आती है तो आप अपनी एक पर्टिकुलर फाइल बना सकते हो, है हाँ ना। तो हाँ जब जब भी आप, फाइल बनाओगे तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर ये जो यूजर नेम पासवर्ड है फाइल में जाके सेव होते जाएंगे। क्लियर हुआ? अभी हमने बेसिक क्या सीखा कि भाई हमने पर्टिकुलर बटन पर क्लिक करने से हमारे यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू हम ले पा रहे हैं, कैप्चर कर पा रहे हैं एंट्री के। यूजर इनपुट ले रहे हैं। हाँ, और वो वैल्यू हमारे पास आ रही है ना। हाँ ओके, देन हमारे पास इसमें और भी काफी, जैसे अगर मुझे कुछ और मतलब नॉर्मल ही दिखाना है, आप प्रिंट करा सकते हो, तो यहाँ पर भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन आ जाता है। तो उसमें क्या होगा पर्टिकुलर, आपको यही शो हो जाएगा अगर आप उसमें अपना लेवल नहीं दोगे तो। लेबल नहीं देंगे तो वो तो उस पे टिक इंटर की जगह में इसमें शो होगा हमारे कंसोल पे। अगर आप नॉर्मल प्रिंट करोगे तो, ठीक है, तो ये आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। अब मैं कहूं कि पर्टिकुलर मुझे लॉगिन के लिए यूजिंग, मुझे थोड़ा सा यूज करना है कि भाई जो मेरा यूजर नेम पासवर्ड है तो मुझे बताए कि भाई हाँ सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, है ना, ये भी तो होना चाहिए, है ना। तो वो अगर मुझे चाहिए तो उसमें मैं क्या करूंगा, है ना, पॉइंट यहाँ आता है, अगर वो मुझे चाहिए तो उसमें क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ, और एक नॉर्मल टाइप भी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक ना, तो वो समझते हैं हम। तो यहाँ मैं लॉगिन का एक फॉर्म फिर से बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक, फास्ट फास्ट बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, इसका मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है, जिसको हम चेक भी करेंगे कि भाई यही पासवर्ड होना चाहिए और यही हमारी जीमेल या ईमेल होनी चाहिए, ईमेल और यही पासवर्ड होना चाहिए तभी होगा। तो मैं फास्ट फास्ट क्या करता हूँ, एक ताकि हमें एक ऑप्शन आए कि भाई सक्सेसफुल भी है या भाई रॉन्ग। आवाज कट गई, आवाज हेलो कट गई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो यहां मैं फटाफट क्या करता हूँ, फ्रॉम और टिक इंटर इंपोर्ट इंपोर्ट स्टार। स्टार, ओके, देन यहां मैं एक रूट वेरिएबल बना लेता हूँ फटाफट, ठीक और है
रूट, या अभी मैं रूट का बहुत देर हो गई स्क्रीन नाम से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ओके। और स्क्रीन डॉट टाइटल, टाइटल में मैं अभी आपको लॉग इन ऐप और यहाँ पर स्क्रीन डॉट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मुझे चाहिए 500 × 600 ओके। देन यहाँ पर मैं इसको लूप में भी कर देता हूँ, स्क्रीन डॉट मेन लूप है ना, मेन लूप चालू किया ओके। अब मुझे क्या चाहिए बेसिक फटाफट, अब मुझे चाहिए कि भाई दो वेरिएबल बना लेते हैं फटाफट है ना, तो या फिर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ लॉगिन नाम का, तो यहाँ पर डेफ लॉगिन और अभी मैं इसमें कुछ नहीं लिखता इसीलिए वैल्यू पास कर देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ ठीक है, फिर हम एडिट कर लेंगे इसमें। तो डेफ लॉगिन और यहाँ पर फंक्शन है इसलिए ये ठीक है, तो ये हमने खाली फंक्शन बना दिया एक अभी ओके। देन मुझे एक यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड के स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाने हैं, तो मैं यूजर नेम एक इक्वल टू स्ट्रिंग वेर ओके, देन पर पासवर्ड इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर ओके। देन यहां पर मुझे एक और चाहिए मैसेज दिखाने के लिए, मैं मैसेज का भी बनाऊंगा ताकि आपको एक मैसेज शो हो पर्टिकुलर, मैसेज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर ओके। तो ये हमने तीन वेरिएबल स्ट्रिंग वेर के बना लिए क्लियर। अब मुझे लॉगिन बनाना है, तो लॉगिन के लिए देखो मैं बार बार कोई वेरिएबल यूज नहीं करना चाह रहा, अब मैं तुम्हें एक नया बता रहा हूँ कि आपको कोई अगर वेरिएबल नहीं बनाना है लॉगिन में तो आप डायरेक्ट बनाओ ना, यहाँ पर लेवल लेवल में आप बना दो, ये हमारा कहाँ जाएगा स्क्रीन पर, अभी यहाँ समझना है ना थोड़ा सा अलग जा रहा है समझना, टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पर लिखूंगा प्लीज प्लीज एंटर डिटेल्स हियर या फिर कुछ प्लीज एंटर द डिटेल्स ओके। और यहाँ पर मैं कलर जो है वो बीजी कलर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर बीजी इक्वल टू ऑरेंज जो भी आपको देना है मैं ऑरेंज दे देता हूँ ओके। एंड देन डॉट पैक यही पैक होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है ना इसीलिए यही पैक होगा ये। और पैक करने के बाद मुझे सेकंड मुझे बनाना है लॉगिन यूजर नेम का, तो मैं फटाफट एक बना लेता हूँ लेवल, तो लेवल स्क्रीन एक्स डॉट टेक्स्ट लेवल गलत हो गया एल कैपिटल ओवर हाँ 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 यहाँ कैपिटल एल और यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल टू यूजर नेम और डॉट पैक कर देता हूँ डायरेक्ट फटाफट ताकि फास्ट हो जाए। और यहाँ पर कमांड कॉल केस में कमांड नहीं करा ना लेवल में, हाँ वो अभी मैं करूंगा ना एंट्री, अभी कमांड लेवल में नहीं आएगा वो तो एक लास्ट एक बटन में आएगा है ना, एंट्री एंट्री भी स्क्रीन पे चाहिए, ये शोर बहुत आ रहा है ये कहीं से आ रहा है एक सेकेंड अफसा हाँ ठीक है। तो यहाँ मैंने एंट्री बनाया और कहाँ बनाया है स्क्रीन पर, और एंट्री में टेक्स्ट वेरिएबल में क्या रखूंगा यूजर नेम, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ जो हमारा टेक्स्ट वेरिएबल होगा वेरिएबल टेक्स्ट वेरिएबल हमारा क्या होगा यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम और यहाँ पर मैं डॉट पैक ओके। ऐसे ही मुझे सेम चाहिए दो, एक पासवर्ड के लिए और एक जेड कॉपी, एंड देन यहाँ पर मुझे एक प्रिंट, ये मेरा किसका हो जाएगा पासवर्ड पासवर्ड का
पासवर्ड, और यहाँ भी मैं टेक्स्ट वेरिएबल हमारा पासवर्ड नाम का है, यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ पासवर्ड, ओके ये भी पैक हो गया। अब हमने पासवर्ड भी बना है ना, तो यहाँ अब मैं मुझे क्या बनाना है कि भाई एक लॉगिन स्क्रीन पे मुझे वो बनाना है अपना लेवल, और जिसपे हमारा मैसेज जाएगा है ना। मैसेज दिखाने के लिए मैं एक यही लेवल बना लेता हूँ, ताकि एक लेवल पर्टिकुलर उस लेवल पे मैसेज दिखता रहे है ना। वो मैं फंक्शन में यूज नहीं करूंगा, इसलिए वो यही लेवल टेक्स्ट, टेक्स्ट में लेवल में क्या रखूंगा, इस वाले में खाली रखूंगा है ना, जो मैसेज डालना। हाँ मुझे इसमें मैसेज भेजना पड़ेगा ना, बट यहाँ मैं क्या लिखना पड़ेगा, मुझे टेक्स्ट वेरिएबल देना पड़ेगा, वेरिएबल और इक्वल टू यहाँ पर मैसेज है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया काम है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है ना। तो बटन बना लेते हैं फास्ट, बटन बटन का कैपिटल जाएगा बटन, और यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर हैं हम भाई बता देते हैं, और टेक्स्ट में नॉर्मल बता देता हूँ लॉगिन चाहिए, और यहाँ कमांड, अब यहाँ मैं लिखूंगा कमांड इज इक्वल टू जो भी हमने फंक्शन का नाम रखा है, हमने लॉगिन रखा है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन लिख देता हूँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, बेसिक रन करता हूँ, चेक कर लेते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। देखो हमारा यूजर नेम पासवर्ड, ये आई थिंक साइना बाला है, ये गलत आ रहा है, मैं इसको रन करूंगा यहाँ से लॉग इन फॉर्म। ओ अननोन ऑरेंज होगा ना, उसी रेंज लिख दिया अननोन कलर, चलो कलर नेम ऑरेंज में स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं ओ ही है, चलो नहीं इसमें सी आ रहा है रेड, मुझे तो ओ ही दिख रहा है बट ठीक है रेड कर देते हैं। अब मैं चलाता हूँ इसमें, देखो एक एरर और आएगा कि भाई जो आप टेक्स्ट वेरिएबल वगैरह अननोन ऑप्शन वगैरह ये काफी बोल रहा है एरर है ना, और ये एरर अगर हम देखोगे तो हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये एरर क्या किया है क्या नहीं किया। तो इसमें मुझे थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ कि इसमें होगा क्या, इसको चलाने के लिए आपको पर्टिकुलर एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको हर एक वेरिएबल यूज करोगे है ना। तो यहाँ फटाफट क्या करता हूँ, मुझे यहाँ देखो, यहाँ देखो ये एरर देखना, सारे एरर आ रहे होंगे, टेक्स्ट मास्टर टेक्स्ट वेरिएबल ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैसेज को अगर मैं यहाँ पर हैशटैग कर दूँ ना तब भी एरर आएंगे, अभी एरर नहीं आएंगे बट मैं अभी बताऊंगा कैसे एरर आएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ठीक है, और ये कर रहा हूँ ठीक है, अभी थोड़ा सा समझते हैं फटाफट। यहाँ आते ही बटन को बनाने के लिए यहाँ पर पैक पैक फंक्शन यूज किया, और यहाँ पर मेरा बटन रेडी हो गया लॉगिन के लिए, और ये हमने एक अलग से लेवल बनाया था प्लीज इंटर योर डिटेल्स यूजर नेम पासवर्ड, बट मुझे मैसेज वाला भी यूज करना है। तो यहाँ टेक्स्ट वेरिएबल में यहाँ आई थिंक कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी ए, और अब डन, हाँ डन हो गया और रन ठीक है। तो ये देखो बटन थोड़ा नीचे आ गया ना, क्योंकि इसके बीच में एक लेवल है, यहाँ मैसेज आएंगे है ना। तो यहाँ मेरा यूजर नेम हो गया, और यहाँ मेरा पासवर्ड हो गया इंटर, ये हमारा लॉगिन हो गया। चलो अब हम फंक्शन लिखेंगे, तो ये अभी हमने बेसिक किया, ये क्लियर हुआ इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट लिखा हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने बस क्या हमने बार बार एक वेरिएबल ना बनाते हुए हमने डायरेक्ट लेवल एंट्री वगैरह वगैरह कर दिया और वहीं पैक कर दिया एक ही लाइन में, ताकि थोड़ा कोड भी छोटा लगे और एडजस्ट हो जाए है ना। और यहाँ कमांड लॉगिन, अब हम लॉगिन फंक्शन को लिखते हैं, लॉगिन जो हमने पास कर रखा था उस फंक्शन को हमें लिखना पड़ेगा, जो मैन है हमेशा समझना
तो लॉग इन फंक्शन के लिए फर्स्ट हमें क्या है, एक वेरिएबल में हमें क्या कराना है, वैल्यू गेट करा लेते हैं। तो मैं यू नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यू नेम, और यू नेम में मुझे क्या कर लेता हूँ, यूजर डॉट गेट, यूजर नेम डॉट गेट की वैल्यू इसके अंदर सेव, क्लियर। और एक PWD का बना लेता हूँ, PWD नाम से वेरिएबल, इसमें पासवर्ड डॉट पासवर्ड डॉट गेट, गेट इसमें गेट करा लिया। चलो ये दो वेरिएबल में हमारी वैल्यू गेट हो गई। अब हमने इफ एल्स पढ़े हैं, तो यहां मैं इफ एल्स यूज करूंगा। थोड़ा ध्यान से देखना, इफ यू नेम इक्वल टू अगर खाली छोड़ता है कोई, और पासवर्ड मतलब पीडब्ल्यूडी इक्वल टू एक सेकेंड, इक्वल टू और इक्वल टू खाली छोड़ता है कोई, ठीक है, तो यहां क्या होगा, पर्टिकुलर मैसेज डॉट सेंड सेट, सेट भी एक फंक्शन होता है जो वैल्यू को दिखाता है, ठीक है, इसमें सेट रखता है। अब यहां सेट, तो यहां क्या लिखेंगे हम, एक मैसेज मतलब सेट करेंगे फिल द सेट, एक तरह से प्रिंट की तरह एम्प्टी फील्ड, हाँ एम्प्टी फील्ड, तो ये हमारा एक मैसेज हो गया। अगर ये किसी ने वैल्यू खाली छोड़ दी तो यहाँ ये क्या करेगा, तो एक मैसेज देगा फिल द एम्प्टी फील्ड, ओके। देन इसके बाद क्लियर, और अगर ये खाली नहीं है, मतलब ये खाली नहीं है, तो क्या आएगा एल्स, है ना, और एल्स के अंदर मैं चलाऊंगा, अगर ये खाली नहीं है तो ये भाई क्या चेक करेगा, इफ, फिर से एल्स के अंदर इफ अलग से चला रहा हूं, ये ध्यान रखना, समझना, तो यहां ये क्या चेक करेगा, यू नेम इक्वल टू मुझे जैसे चाहिए हर्ष एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, यही यूजर नेम चाहिए, है ना, हर्ष एट द रेट जीमेल डॉट कॉम मुझे यही यूजर नेम चाहिए, और फिक्स कर दिया यूजर नेम, हाँ, और अब और नहीं आएगा, अब आएगा एंड, मतलब यूजर नेम पासवर्ड यही चाहिए मुझे, तो पीडब्ल्यूडी क्या लिखूंगा मैं, एबीसी पासवर्ड सेट कर रहे 1 2 3, है ना, ये पासवर्ड चाहिए मुझे। अगर ये सही है तो क्या बोले, मैसेज फिर दिखाए भाई, मैसेज डॉट सेट करा लेते हैं, यहाँ हमें क्या बताएगा, लॉग इन सक्सेस फुल, ओके एंड। यहां अब इसकी वाली इफ चलाएंगे हम, सॉरी एल्स चलाएंगे, अगर ये सही नहीं है यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ एक मैसेज डॉट सेट कर देते हैं, मैसेज डॉट सेट क्या दिखाएगा, पर्टिकुलर लॉगिन नेम और पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, या फिर रॉन्ग क्रेडेंशियल लिख देना, बेस्ट है, ठीक है। तो ये हमने एक अपना फंक्शन लिखा, क्लियर। अब मैं इस फंक्शन को चलाता हूं, अब मैं यहां पर ले लिखता हूं एडमिन और एडमिन, लॉगिन करने की कोशिश करता हूं, क्या बोल रहा है, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, समझ गए हम इसकी भावनाओं को, फिर से हम चेक करते हैं एक बार, एंड देन नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, यहां पर हर्ष एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, और यहाँ पासवर्ड दिया है एबीसी 1 2 3, एंड लॉग इन पे क्लिक करता हूँ, क्या बोल रहा है, लॉग इन सक्सेसफुल, है ना, तो ये हमने क्रिया किया। अब अगर मैं यहाँ पर खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने एक और कंडीशन दी है ना, अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ एंड लॉग इन करता हूँ, क्या बोल रहा है, फिल, क्लियर, हम तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं बटन के पीछे अगर कोई फाइल लगा, हाँ तो वो बटन पे क्लिक करने पे फाइल ओपन करेगा,
हाँ कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक आपने जो कोडिंग पढ़ी है वो कोडिंग यहाँ फंक्शन में यूज करनी है, वो आपको दिमाग होना चाहिए भाई। देखो इसमें सब सेम है, अगर आप इफ यूज कर रहे हो, इफ एल्स यूज कर रहे हो, वही मैं कर रहा हूँ। पर्टिकुलर आप ये भी चेक करा सकते हो कि एक लिस्ट देके कि इसमें से यूजर नेम हो, मतलब यूजर नेम अगर ज्यादा देने हैं तो, समझ में आ रहा है, एक लिस्ट में उसमें कि इसमें से कोई यूजर नेम हो या इसमें से कोई पासवर्ड हो, अब उसमें से क्या क्या हो, देन पर्टिकुलर इंडेक्स वाई रख देना कि अगर ये दोनों मैच करें इन लिस्ट में से तो लॉगिन दे दो वरना ना दो, ये भी करा सकते हो। डिक्शनरी डिक्शनरी कर सकता है आईडी वैल्यू सेम करके। हाँ वो भी कर सकते हो, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको बनाना है। मैंने एक बेसिक ऐप बनाया जो हमने आज हमने क्लास ली, उसका एक थोड़ा सा डेमो दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इसमें आपको समझ क्या नहीं आया, वो मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रोग्राम में मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। थोड़ा सा ये रहा, इसमें आपको समझ क्या नहीं आया, कैसा है, टफ लगा कुछ नहीं नहीं है तो नहीं। ना, बेसिक है। यहाँ आपकी क्या होगा, आपकी थोड़ी सी आपकी पाइथन की भी चेक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको यहाँ इफ एल्स यूज करने हैं, और है ना। तो इसके आगे मैं आपको देखो ये भी है कि आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना सकते हो पर्टिकुलर, है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो, इजी है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे कैसे, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ आप जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा, पर्टिकुलर एक फॉर्म बनाएंगे जीयूआई, अगर आप बना पाओ तो बना देना, जीयूआई फॉर्म बनाना है, ठीक है। और उस जीयूआई फॉर्म में क्या रखना है, पर्टिकुलर लॉगिन पे क्लिक करें तो एक लॉगिन का फॉर्म अलग आए, और यू रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्टर का फॉर्म अलग आए, और वो सब हो, मतलब वर्किंग में हो, ठीक है। मतलब वो क्या कहते हैं, एक पहले इसमें फ्रंट पेज दो बना है जिसपे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन, मतलब क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉगिन का ऑप्शन, ठीक हाँ है। लॉगिन में आईडी पासवर्ड फिक्स रहे, अगर वो डाले तो लॉगिन हो जाए, नहीं तो क्रिएट न्यू अकाउंट में डिटेल्स डाले तो वो एक लिस्ट में एंटर हो जाए और एक नया वो बने, अकाउंट बन जाए, ठीक हाँ है। हो गया। हाँ अब सर आप कुछ पूछ रहे थे। तो वो उसमें बनाने ना फॉर्म, तो उसमें दो फंक्शंस की कोडिंग होगी सारी, हर हाँ उसका अलग अलग फंक्शन बनेगा ना हाँ उसमें जैसे पेज एक का। एक एक पेज आए, मतलब जैसे ये एक ऐसा आ रहा है ना, इस एक छोटा सा पेज आया उसमें एक लॉगिन लिखा हो बटन और एक साइन अप का बटन हो, तो आप साइन अप के बटन पे क्लिक करो, फिर एक अलग से एक और ऐसा ही सेम खुल के आए और उसमें साइन अप का सारे डिटेल हो, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल वगैरह, एंड लॉगिन का, लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऐसा एक अलग से खुल के आए, हो जाएगा इतना कर पाओगे। हाँ हो जाएगा चलो ट्राई करना, अगर हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हो तो फिर हम करेंगे ही उसको, है ना। ऐसा यस। टफ तो नहीं है बट हम करेंगे उसको क्लियर, ठीक है। तो आज जो भी हमने किया वो समझ में आया, आज हमने कुछ चीजें नई भी सीखी। नई क्या चीजें सीखी, मैसेज डॉट सेट गेट कराना, है ना, एक पर्टिकुलर हमने इस वेरिएबल बनाना, है ना, और विदाउट विदाउट वेरिएबल के हमें लेवल और एंट्री बॉक्स बनाना, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और समझाता हूँ, इसमें एक और चीज आएगी, जैसे ये हमने बनाया था, इसमें मैं अगर पैक ना यूज करूं, देखो हमारे पास यहाँ हर एक लेवल के लिए क्या क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है हमारे पास पैक, एक फंक्शन होता है हमारे पास प्लेस, एक हमारे पास होता है ग्रेड, है ना। तो आप तीन तरीके से कर सकते हो ऐसे, तो ये चलता है साइड वाइज, साइड वाइज लेफ्ट राइट क्या देना है वो अभी हम देते नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन प्लेस में आपका क्या चलता है, पर्टिकुलर आपका प्लेस में चलेगा साइड वाई एक्स में, है ना, साइड में। और ग्रेड में चलता है रो और कॉलम वाइज, वो मैं आपका दोनों बताऊंगा ओके कि भाई रो और कॉलम कैसे चलते हैं। जैसे पर्टिकुलर मैं अगर यहाँ पर ग्रिड से यूजर नेम ये पैक करता हूँ, जैसे मैं पैक नहीं कर रहा, मैं ग्रिड करूंगा, ग्रिड, और ग्रिड को बंद किया, एंड देन इसको जब रन करूंगा लॉगिन फॉर्म को,
तो देखो यहाँ कोई अगर आपको, अच्छा ये UI वाला ऐप आपको लॉग इन करना है, UI 1 और रन। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा अर्थ आपको समझ में आया थोड़ा सा, कि कल आप क्लास में नहीं थे? अर्थ है अभी? हाँ है तो माइक ऑफ है। अच्छा, ठीक है। ओके, ये रन क्यों नहीं हुआ अभी तक? 1 सेकेंड, रन। आई थिंक हैंग कर रहा है, रन नहीं कर रहा। ठीक है चलो, इसको आप ग्रेड का चेक करना, फिर मुझे बताना, फिर मैं कल, हम ग्रेड प्लेस वगैरह ये सब पढ़ेंगे, और दूसरा कोई एक प्रोजेक्ट बेसिक टाइप का हम बनाएंगे, इससे मैं और थोड़ा सा समझ में आए। ओके तो ओके ठीक कल हम ये सब क्लियर करते हैं। ओके चलो। ओके बाय।